Good morning, dear students. Today we are going to discuss about closes. First of all, let us come to know what are closes and how many types of closes are there. Let us read these two sentences carefully. Sentence number one says, Ria lives in a house which is made of wood. Now look at sentence number two, Ria lives in a wooden house. Now the words which is made of wood and wooden house they are written in bold. Now in the first sentence, the group of words in bold has a subject. That is which. Which is the subject here and is made of wood is the predicate. So it is called a close. Now look at sentence number two. Here, the words which are written in bold: wooden house. The wooden house. This part of words yeah this part of the sentence doesn't have a subject of its own and it doesn't have a predicate also so that it is a phrase ye ek phrase. Hai. now what is a phrase and what is a clause a clause can be defined as a group of words that forms part of a sentence and has a subject and predicate of its own the clause एक डिफाइंड डिफाइन uh, किया जा सकता है एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो सेंटेंस का पार्ट होता है एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन जिसमें अपनी फाइनाइट वर्ब होती है अपना प्रेडिकेट होता है और अपना एक सब्जेक्ट होता है ऑन द अदर हैंड फ्रेज डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड इट्स ओन प्रेडिकेट फ्रेज में ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है अब हम क्लोज और सेंटेंस को कैसे डिफरेंट करते हैं एवरी क्लोज हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ सेंटेंस हैज कि सेंटेंस क्या कहते हैं हम कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना एक कंप्लीट सेंस हो हम क्लोज के बारे में भी ये कह रहे हैं कि क्लोज एक ऐसा आ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेंटेंस के पार्ट है सेंटेंस को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस हम ये कहते हैं कि क्लोज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है इट इज नॉट अ कम्पलीट सेंटेंस ऑफ इट्स ओन इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन एंड अ प्रेडिकेट तो हर सेंटेंस अ क्लोज हर सेंटेंस एक क्लोज होता है न क्लोज हैज वन फाइनाइट वर्ब इन इट्स प्रेडिकेट अब जो क्लोज हमारा होता है वो कहता है कि इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब फॉर श्योर होनी चाहिए फाइनाइट वर्ब यानी ऐसी वर्ब जो अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज ना हो अब हियर वी हैव एन एग्जाम्पल मिस्टर किशोर विल मीट हिम इन ऑफिस

हमने यहां पर सेग्रीगेट किया इन दी ऑफिस इन ऑफिस जो पार्ट है इसमें ना तो अपना कोई सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है तो इतना पार्ट मिस्टर किशोर विल मीट हिम एक क्लोज की कंडीशन को पूरा करता है सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन आर नोन एज फ्रेजेस ऑन दी अदर हैंड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सब्जेक्ट

टू और मोर क्लोजेज इसीलिए सेंटेंस जो होता है एक क्लोज वाला दो क्लोज वाला दो से ज्यादा क्लोजेज वाला सेंटेंस हो सकता है नाउ लुक एट दी एग्जाम्पल ही इज ईटिंग ये हमारे पास ही सब्जेक्ट है इज ईटिंग ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है इसमें एक वर्ब है यानी ये वन क्लोज है द टीचर लाफ एट द जोक ये भी हमारा वन क्लोज है द पुलिस आस्ट द क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड पुलिस ने क्वेश्चन पूछा बट नो वन आंसर किसी ने भी आंसर नहीं दिया इसमें दो क्लोजेज हैं आई एम सैड बिकॉज आई लोस्ट माई फोन मैं सैड हूं किस लिए सैड हूं क्योंकि आई लोस्ट माई फोन यहां भी हमारे पास दो क्लोजेज हैं. यानी दो सेंटेंसेस मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं यानी टू क्लोजेस आर कंबाइंड टू मेक वन सेंटेंस आई लाइक चेस बट माई ब्रदर लाइक्स हॉकी बिकॉज ही लाइक्स आउटडोर स्पोर्ट्स अब यहां पर हम देखेंगे की हमारे पास तीन क्लोजेज है पहली आई लाइक चेस माई ब्रदर लाइक्स हॉकी ही लाइक्स आउटडोर स्पोर्ट्स मैं चेस पसंद करता हूँ लेकिन मेरे भाई को हॉकी खेलना पसंद है क्योंकि उसे आउटडोर गेम्स पसंद है तो हमारे पास एक क्लोज दूसरी क्लोज और ये तीसरी क्लोज ये जो सेंटेंस है तीन क्लोजेस का सेंटेंस है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लोज चलिए हम इसको एक बार रिक कर लेते हैं कि फ्रेज में और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है अ फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इट फ्रेज का अपना कंप्लीट सेंस नहीं होता मीनिंग जरूर होता है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है जैसे इन दास्ट आर अवाई अगो इन दर्नर या आफ्टर द डार्क बिफोर सनसेट ये सारे वर्ड्स जो है कम्प्लीट सेंस क्लियर नहीं करते हैं हाँ मीनिंग है अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट uh, कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि अ क्लोज कैन मेक कम्पलीट सेंस बाई इट्सल्फ क्लोज कैसे फ्रेज से डिफरेंट हुआ कि क्लोज एक कम्प्लीट सेंस अपना बनाता है लाइक हु हैड हेल्प मी विच इज मेड ऑफ आयरन अब हु और विच दूसरे सेंटेंस के साथ मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट सेंस दूसरे सेंटेंस के साथ मिलकर बन जाएगा लेकिन यहां पर हु और विच हमारे पास सब्जेक्ट है फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट विद इन नो टाइम टू दी ऑफिस ऑन दी अदर हैंड क्लोज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बोथ वेन दी ओल्ड मैन फेल डाउन अ फ्रेज हैज नो फाइनाइट वर्ब ऑन दी अदर हैंड अ क्लोज हैज अ फाइनाइट वर्ब लाइक अक्रोस दी यहां पर देखिये कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है अ क्लोज हैज अ फाइनाइट वर्ब आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस कम ये हमारा फाइनाइट वर्ब है नाउ क्लोजिस के टाइप क्या है क्लोज को हम दो पार्ट में दो मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला एक मेन मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा कहलाता है सब ऑर्डिनेटेड क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज अब सब ऑर्डिनेटेड क्लोज को भी फर्दर हम नाउन क्लोज एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिवल क्लोजेस में डिवाइड करते हैं वो हम लेटर पढ़ेंगे बाद में आप हमें पहले पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज कैसे आइडेंटिफाई होती है मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं इसे मेन क्लोज इज अ क्लोज दैट एक्सप्रेस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट इन बोथ कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग एंड कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस ऑन इट्स ओन जो मेन क्लोज होती है वो अपना कम्प्लीट सेंस रखती है दूसरे पार्ट पर डिपेंड नहीं होती है इसीलिए इसे इनडिपेंडेंट स्वतंत्र क्लोज कहा जाता है लाइक शी मैट द मैन हु हैड हेल्प हर रमन इज वेरिंग अ शर्ट विच लुक्स नाइक तो रमन इज वेरिंग अ शर्ट जो है इसका एक कम्पलीट सेंस है विच लुक्स नाइस जो है ये इस पर डिपेंड करता है तो ये जो सेंटेंसेज है हाईलाइटेड पार्ट शो दी मेन क्लोज जो पार्ट को हाईलाइट हमने किया वो मेन क्लोज को शो कर रहा है और जो पार्ट हाईलाइटेड नहीं है वो इंडिपेंडेंट क्लोज वो डिपेंडेंट या सब क्लोज होती है अब सब क्लोज को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सब और डिपेंडेंट क्लोज इज अ क्लोज विच डज नॉट एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थॉट जो एक कम्प्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता है ठीक है अब सबोर्डिनेट क्लोज डज नॉट एक्सप्रेस दी कम्पलीट आईडिया एंड कैनोट स्टैंड एज अ होल सेंटेंस और पूरे होल सेंटेंस की तरह भी वो स्टैंड नहीं करती है लाइक आई वोट अ टेबल दैट कोस्ट रूपीज सिक्स हंड्रेड अब आई वोट अ टेबल का यहां अपना मीनिंग है कि मैंने एक टेबल खरीदी दैट कोस्ट रूपीज सिक्स हंड्रेड इसका कोई अपना सेंस क्लियर यहां पर नहीं है ये अपने फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड कर रही है तो जो पार्ट अपना कंप्लीट सेंस रखता है वो कहलाता है मेन क्लोज और जो उस पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड कर, कर रहा है वो कहलाता है डिपेंडेंट या सबोर्डिनेटेड क्लोजेज नाउ हियर वी हैव द एग्जाम्पल हियर और आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि इसमें से कौन सा पार्ट मेन क्लोज है और कौन सा पार्ट सब क्लोज है रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो